बता रहा हूं आपको, जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपके हाथ से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक, टुडे स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द वेव इक्वेशन। ओके, सो बिफोर कमिंग इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में आने से पहले, एट फर्स्ट यू मस्ट गो इन द प्रीवियस लेक्चर हीट इक्वेशन। ओके, इफ यू विल अंडरस्टैंड द हीट इक्वेशन देन दिस कॉन्सेप्ट इट विल क्लियर। टूडे वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चन, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आई थिंक दैट 12 क्वेश्चन, और ये गारंटी मेरी है। इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे, एंड मैंने बहुत ही हर टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं और हर टाइप के फॉर्मूले मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं, जिससे आप इस दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो चीज वही है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, दैट इज द वेव इक्वेशन। ये जो है आपका वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रिंग की स्टडी करते हैं। स्ट्रिंग को अगर आप खींचेंगे, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो उसी के बारे में ये आपका जो ये फॉर्मूला है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, जहां आपका सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, वेव इक्वेशन को बताता है। तो इसका सॉल्यूशन वही है, सेम जो हमने पहले बताया था। क्या बताया था आपको, वाई एक्स और टी इज इक्वल टू, आप एक्स एक्स ले लो और टी टी ले लो, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश एक्स और टी कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसका वाई का टी स्क्वायर टी के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट माना जाएगा और ये टी डबल डैश टी, और लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका इक्वेशन को गौर से देखो, ये क्या हो रहा है, एक्स डबल डैश t इज इक्वल टू एक्स टी डबल डैश, तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू कुछ लेमडा मान लो, और इस लेमडा इज इक्वल टू माई म्यू स्क्वायर करो, तो आपको सोल्यूशन किस स्टेप का मिल जाएगा, कैसा, एक्स डबल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर और आपका x। अब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, उसके हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो आपका एम इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आई, जिसके लिए आपका ये सॉल्यूशंस देगा आपका, ठीक है, सी एफ और पी आई निकालना, आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड। तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसमें तीन प्रकार के फॉर्मूला आपको बताऊंगा, एक जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके बाद डीएलएम्बर्ट फॉर्मूला बताऊंगा, फिर एक डीएलएम्बर्ट का एडवांस फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले जब हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशंस मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, वाई ऑफ एक्स टी। देखो इसका सॉल्यूशंस और आपका जो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशंस है बोथ आर सेम, अंतर थोड़ा सा है, ठीक है। इसमें यहां पर आपका क्या है, इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, सेम चलेगा। पहला होगा आपका ई एन कॉस, साइन की वैल्यू कॉस आ गया, एन पाई सी टी अपॉन ए, ए का मतलब है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, प्लस दूसरा आपका, अभी हम आपको बताते हैं एफ ई एन क्या है, एफ एन क्या है, एफ एन आपका ये क्या हो गया, कॉस एन पाई सी टी अपॉन ए, ठीक है। दूसरा तुम्हारा साइन एन पाई सी टी अपॉन ए, दूसरा क्या हो जाएगा, साइन एन पाई सी टी अपॉन ए, जहां पर आपका एन नेचुरल नंबर, पाई आपका पाई है, और सी आपका, ये आपका सी ए है, वट एवर दे हैव गिवन, और टी आपका टाइम हो गया, और ये आपका लेंथ ऑफ द रॉड, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और बाहर से आपको वही चीज मल्टीप्लाई करना है, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, जो हम हीट में करते थे, ठीक है। अब यहाँ ई एन क्या है, एफ एन क्या है, तो ई एन निकालने का मेथड वही सेम होगा और एफ एन निकालने का मेथड वही सेम होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपने आप ही लर्न हो जाएगा। तो ये तो आपका सेम होगा, टू अपॉन ए लेंथ ऑफ द रॉड जीरो अपॉन ए, ठीक है, जीरो टू ए इंटीग्रेशन, एफ एक्स सेम फॉर्मूला है आपका, एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और आपका डी एक्स, और यहां पर भी सिर्फ इतना अंतर रहेगा, टू अपॉन एन पाई सी इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स
साइन एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, दोनों बोल सेम है तुम्हारी, ठीक है। अब इसमें जो आपका ये, आप इसको एफ के बदले जी भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, बिकॉज दिस इज द फंक्शन दैट इज द डिफरेंट फंक्शन एंड दैट इज द डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो अब ये है क्या चीज, आपका जो पहला वाला है वो है इनिशियल डिफ्लेक्शन, ये आपका है इनिशियल डिफ्लेक्शन। अगर आप किसी स्ट्रिंग को खींचेंगे, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, खींचेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपका जो चेंजेस आएंगे, दैट इज द डिफ्लेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपका सिर्फ इतना ही है, y x t इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट ई एन कॉस एन पाई सी टी अपॉन ए प्लस एफ एन साइन एन पाई सी टी अपॉन ए इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, जहां आपका ई एन ये है और एफ एन ये है, यानी कि मुझे ई एन की वैल्यू निकालनी है और एफ एन की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करनी है, आपका सोल्यूशन आ गया। सेम आपका फोरियर सीरीज भी है, ठीक है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी है आपका, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका गेट मैथमेटिक्स वालों का भी आया है और ये गेट सिविल इंजीनियरिंग वालों का भी आया है, यही क्वेश्चन सेम, ठीक है, और ये आपका आईएएस में भी आया है सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने ले रखा है व्हाट दे हैव आस्क्ड, तो देखो गौर से देखना इसको। ए टाइटली स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग है जिसको हम खींच सकते हैं, ठीक है, ऑफ लेंथ पाई, जिसकी लेंथ कितनी है, पाई है, ठीक हो गया फिर, यानी कि ए बराबर हमको क्या रखना है, पाई रखना है। फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, ये चीज को ध्यान रखना, इसने क्या लिखा है, फिक्स्ड एंड पॉइंट, यानी कि उसके जो एंड पॉइंट है वो क्या है, फिक्स है, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू पाई, ये दोनों फिक्स है तुम्हारे। इनिशियली इन द पोजिशन गिवन बाई, आपको एक फंक्शन दे रखा है वाई इज इक्वल टू वाई जीरो साइन क्यूब एक्स, ठीक है, वाई जीरो बिलोंग टू कॉन्स्टेंट, जहां वाई जीरो क्या है, कॉन्स्टेंट है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपको पूछ रहा है कि उस स्ट्रिंग में जब हम खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां से ए स्थान से बी में गया, सपोज आई ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, सो माई डिस्प्लेसमेंट इज एंड डिस्टेंस इज डी, डिस्प्लेसमेंट इज डी, और मैं दोबारा अगर बी से ए में आ जाऊंगा देन माई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपका जो पोजीशन है मेरी, जो मेरी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, उन दोनों के बीच का गैप, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर हम किसी चीज को खींचेंगे। आपने देखा होगा हम कोई चीज, नया चीज लेके आते हैं तो पहले क्या होता है, काफी हार्ड होता है, बार बार यूज करने से क्या होता है, लूज हो जाता है, ओके। तो वही चीज है डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स दैट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इफ यू आर यूजिंग इट। तो ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो आप क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन अगर हमको आएगा तो हम ई एन एफ एन निकालेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी आपको साइन वाला फंक्शन आएगा, चाहे साइन टू एक्स है, साइन थ्री एक्स है, साइन एक्स है, कॉस थ्री एक्स है, कॉस टू एक्स है, जब भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो हमको ई एन और एफ एन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हीट इक्वेशन में हम पहले ही बता चुके हैं, अगर वहां समझ में नहीं आया तो यहां समझ में आ जाएगा। तो दोनों बोथ आर सेम। तो देखो हम क्या करेंगे, आपका देखो यहां पर क्या दे रखा है, पहले फिक्स्ड एंड पॉइंट, ठीक है, पहली बात है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो होगा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है आपका एफ एन जीरो है, और आपका एफ एन जीरो होने का मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका जो वाई एक्स टी होगा, योर वाई एक्स टी इट विल बी आफ्टर देन सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट ई एन कॉस एन पाई सी टी अपॉन ए इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, यह आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ एफ एन इज जीरो। आपका जब भी आपका फिक्स्ड एंड पॉइंट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी में है ही नहीं, अब इनिशियल वेलोसिटी में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एन जीरो होगा, दिस एफ एन इज जीरो, ओके। अब देखिए व्हाट इज सी, देखो इस इक्वेशन को गौर से देखो, ए टाइटली स्ट्रेस्ड, इसमें एक चीज हमने लिखी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो वेव इक्वेशन है आपका,
चलो हमको नहीं दिया कोई बात नहीं। अब दूसरी बात क्या आती है, देखो इसको गौर से देखो, ये आपका क्या है सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है वाई एक्स टी, ही हैज नॉट रिटन वाई, ही हैज रिटन ओनली वाई, इट मीन दैट दैट इज वाई एक्स टी, वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई जीरो साइन क्यूब एक्स, ही हैज गिवन, हमको दिया हुआ है। हम जानते हैं कि साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स होता है आपका, हमको चाहिए ये, ठीक है। तो आप कई भाई साहब यहां आएंगे, ये यहां आएगा, देन इन दिस कंडीशन योर फोर साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपका ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ठीक है। अब ये फोर हमने क्या किया, इसको हटा दिया यहां से, अपॉन फोर अपॉन फोर, ठीक है, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बदले हमको ये लिखना है, इट मीन्स दैट योर वैल्यू इट विल बी वाई एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, वाई जीरो साइन क्यूब टी, और साइन क्यूब टी बराबर क्या है, ये है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, थ्री अपॉन फोर वाई जीरो साइन एक्स, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन फोर वाई जीरो साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आपका ये है दिस। अब देखो यहां पर एक चीज है, आप इसको गौर से देखो, इसने क्या दिया है आपको, ए टाइटली स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ पाई, ठीक हो गया, लेंथ पाई यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू आपका पाई हो गया, पहली बात, ठीक है। विद फिक्स्ड एट एंड पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू पाई इज इनिशियली इन द पोजिशन गिवन बाई दिस y0 जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपको ये दिया गया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू रिमूव दिस। अब देखो यहां पर ये है कि y x t, ठीक है, तो t यानी कि जब t इज इक्वल टू जीरो है, ध्यान से देखना, यहां पर कहीं लिखा नहीं है, ही हैज नॉट रिटर्न, हम ले रहे हैं फिक्स्ड एंड पॉइंट, जब t इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जीरो लिखना पड़ेगा, ये चीज को ध्यान रखना, यानी कि जब टाइम इज इक्वल टू जीरो होगा तो आपका वेलोसिटी जीरो है, तब तुम्हारा क्या हो गया, एफ एन जीरो हो गया। अब यहां हमने क्या लिखा, वाई एक्स जीरो, तो वाई एक्स जीरो लिखा तो आपका क्या हो गया, इट मीन्स दैट cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये आपका गायब हो गया इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो आप क्या क्या बचेगा, यहां पर, यहां पर क्या बचेगा, इन दिस कंडीशन योर राइट साइड इट विल बी n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन ए के बदले पाई आ गया आपका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। हमने क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका इनिशियली क्या है, उसमें वेलोसिटी जीरो है, इनिशियली वेलोसिटी जीरो जाने की वजह से आपका जीरो आ गया, और जीरो होने की वजह से cos 0 इज इक्वल टू 1, और आपका जो है ये खाली ये दोनों बच जाएंगे, और वेलोसिटी जो है वो आपका क्या है, एफ एन, ये जीरो हो जाएगा, दैट विल बी जीरो, ओके, एंड ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहां पर हमको सोचना है कि हम ऐसा एन बराबर क्या रखें कि हमको ये दोनों मिल जाए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, एक साइन एक्स चाहिए और एक हमको साइन थ्री एक्स चाहिए। नाउ आप देख रहे हैं कि पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, अगर हम एन इज इक्वल टू वन रखेंगे देन दिस इज साइन एक्स, इफ यू विल पुट एन इज इक्वल टू थ्री देन दिस इज साइन थ्री एक्स, इसका मतलब सिर्फ क्या होगा आपका, थ्री अपॉन फोर वाई जीरो साइन एक्स माइनस वन अपॉन फोर वाई जीरो साइन 3x इज इक्वल टू ई वन साइन एक्स प्लस ई थ्री साइन थ्री एक्स, ठीक है, ई वन साइन एक्स और ई थ्री साइन थ्री एक्स, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो सेम हमारा आ चुका है, ठीक है, आपका आ चुका है सेम। नाउ वी विल कंपेयर, यानी कि रेस्ट ऑफ बाकी जितने भी हैं आपके n इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, बिकॉज देर इज नो सच टाइप ऑफ अदर वैल्यू, आपका कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अदर आर जीरो। तो अब क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट योर ई वन इज, कंपेयर करो
तो क्या हो जाएगा, 3/4 yg हो जाएगा और आपका e3 = -1/4 y0 हो जाएगा। अब e1 और e3 की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या निकाल सकते हैं, दिस yxt निकाल सकते हैं। ही हैज आस्क्ड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, yxt = क्या हो जाएगा, योर yxt = तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है, ठीक है। आपको क्या कर देना है, ये वैल्यू यहां रख देनी है, e1 और किसकी, e3 की वैल्यू। तो हमारा क्या करेंगे, e1 रखेंगे, e1 कितना है, 3/4 y0 e1, फिर क्या आएगा, cos, ये तो हमको रखना पड़ेगा, ठीक है, cos हमने पाई और पाई कैंसिल, ठीक है, और n बराबर हमने क्या रखा, 1 रखा, ध्यान रखना अभी यहां पर, अभी हम yxt = 0 नहीं रख रहे हैं, ठीक है, वी आर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, जो t है वो हमने इनिशियल रखा था, अब ये t क्या है, जब हमने उसको वेलोसिटी दे दी है उसके बाद उसकी कंडीशन क्या है, हम उस पर निकाल रहे हैं, सो वी कैन नॉट पुट हियर t = 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 3/4 y0 cos, क्या हो जाएगा, cos पाई से पाई कैंसिल, और हमने n बराबर क्या रखा, 1 रखा, और c बराबर क्या है, c को c रहने दो, यानी कि cd हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू साइन पाई से पाई कैंसिल, यानी कि साइन x पहला आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, प्लस आपको क्या करना है, e3 रखना है, e3, तो e3 रखो, e3 कितना है, -1/4, इसको माइनस कर दो, -1/4 y0, फिर क्या हो जाएगा, cos, फिर आपका क्या हो जाएगा, cos, अब देखो 3 रखना है, पाई से पाई कैंसिल, बिकॉज a = π, है ना, आपका 3 ct, ये क्या हो जाएगा, 3 ct, और क्या हो जाएगा, साइन, और बाकी साइन बचेगा क्योंकि ये तो जीरो है, साइन आपका क्या हो जाएगा, n πx / a, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि 3x, ये आपका आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको en और fn निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज fn इज जीरो, ओके, और en की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये बात को ध्यान रखना, इसी प्रकार के हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बताएंगे, ध्यान से देखना, और ये गारंटी मेरी है कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ओके, जस्ट आई विल इरेज इट एंड आफ्टर देन आई विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो इससे पहले जो हमने आपको फॉर्मूला दिया था, आई हैव गिवन यू दिस फॉर्मूला, ओके, एंड मे बी दिस फॉर्मूला इट इज वेरी लॉन्ग, बट जो मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस बताया था आपको, वो इस फॉर्मूले से होना दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, आप इससे भी कर सकते हैं, और उसको भी दोनों तरीके से हर क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेंगे, तो इसमें 1 मिनट पर सॉल्व हो जाएगा। आपको सबसे शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, डीएलएमबर्ट इक्वेशन। तो वाई एक्स टी बराबर क्या है आपका, देखो यहां क्या होता है, f(x + ct) और +f(x - ct), ये आपका ये हो गया +1/2c इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको हाफ ही लिख रहा हूं, इसके बाद एक और है स्टेप, वो नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए है, x - ct और x + ct, मैथमेटिक्स वाले के लिए होगा, IAS के लिए, सबके लिए होगा, g θ और d θ, ठीक है। ये आपका मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने एक चीज गलत लिखा है, यहां भी आपका 1/2 होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, ये जो आपको मैंने फॉर्मूला दिया, इसके बदले आपका ये फॉर्मूला भी हम काम चला सकते हैं, इट विल वर्क फॉर द इनफाइनाइट स्लैब। मैंने आपको बताया था हीट इक्वेशन में, आपको बताई थी, ठीक है। तो हीट इक्वेशन में हम क्या करते थे, अगर आपका इनफाइनाइट स्ट्रिंग आ जाएगी तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है, आपको याद होगा, 1/4 πkt इंटीग्रेशन -∞ to ∞, अगर याद है तो आपको, e^-x - y² / 4 kt, एंड आपका क्या है, yt dt, ठीक है, तो जो भी है, या f(y) dy, जो भी ले सकते हो, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको बताया था हीट इक्वेशन में, जो फॉर्मूला बताया था इनफाइनाइट स्लैब के लिए, वैसे ही आपका डीएलएमबर्ट इक्वेशन है, या आपका स्ट्रिंग अगर आपकी इनफाइनाइट है तब भी ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर स्ट्रिंग की लेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इनफाइनाइट में से समथिंग दैट इज जीरो,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो यानी कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो काम नहीं करता है, ध्यान रखना इस चीज को। इफ यू हैव, अब पहचानेंगे कैसे, हाउ टू रिकॉग्नाइज, तो वेरी सिंपल। देखो एक क्वेश्चन है आपका, ये गेट 2011 में आया है, और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका ये गेट 2010 में आया है, ठीक है, ध्यान रखना। ये खासकर से सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, और आपके जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आईएएस के एग्जाम में भी आया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यूएक्सटी, इस बार हमने फंक्शन का नाम क्या बोल दिया, यू बोल दिया, फंक्शन का नाम यू बोलो, वाई बोलो, पी बोलो, क्यू बोलो, नो चेंजेस। मैंने आपको बताया था एग्जामिनर क्या करता है, ही इज ओनली चेंजिंग द फंक्शन। मैं आपको मेथड पढ़ा रहा हूं, आप इस मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यूएक्सटी ऑफ एन इनफाइनाइट, यहां तो उसने लिखी दिया है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रिंग, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और अगर उसने नहीं लिखा है सपोज, तो आपको यहां साफ दिख रहा है माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन एक्स इज लेस देन इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, आप यहां से पहचान सकते हैं। टी इज ग्रेटर देन 0, ओके, एंड आपको दे रखा है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स, इससे पहले क्या दिया था, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू क्या दिया था, साइन वाई जीरो साइन क्यूब एक्स दिया था, अब क्या दिया है, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स, डेल यू अपॉन डेल टी एक्स जीरो इज इक्वल टू 0। देखो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द रेट, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है, असल में डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है तुम्हारी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। एक्सीलरेशन क्या है, दैट इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आपको डी यू अपॉन डी टी लिखा है, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, यानी कि क्या है, दैट इज द क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि आपका क्या है, टाइम टी, और आप डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रिंग को खींचेंगे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट मीन्स दैट यू आर फाइंडिंग द वेलोसिटी। तो यानी कि ये क्या है, वेलोसिटी है, और मैंने आपको इससे पहले इक्वेशन बताया था, एक क्या होता है, इनिशियल डिफ्लेक्शन होता है और एक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो en इज द डिफ्लेक्शन एंड fn इज द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां क्या दे रखा है, देखो डेल यू अपॉन डेल टी एक्स जीरो इज इक्वल टू 0, यानी कि आपकी वेलोसिटी 0 है। अब देखो ये जो इक्वेशन है आपका जो नया इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए, तो ये जो फॉर्मूला है, ये यू एक्स जीरो जो आपको दिया है, जो भी लिखा है यहां पर, फंक्शन को कुछ भी लिखेगा, देखो इस बार के एग्जाम में आएगा, वो क्या करेगा, ही विल राइट यू एक्स जीरो इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लिख देगा, हो सकता है ही विल राइट साइन एक्स लिख देगा, कॉस एक्स लिख देगा, टेन एक्स लिख देगा, कॉट एक्स लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, ही कैन राइट, एग्जामिनर कैन आस्क एनी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, ओनली ही विल चेंज द फंक्शन, बट द मेथड इज यूनिक, यू मस्ट रिमेंबर। तो आपका क्या है, देखो यू एक्स जीरो इज इक्वल टू, यानी कि ये जो फंक्शन है दैट इज यू एक्स जीरो, दैट इज यू एक्स जीरो, ठीक है, और ये क्या है, ये वेलोसिटी है, तो ये जीरो हो गया, यानी कि हमको इसको देखना ही नहीं है, यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के लिए। देखो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, वाई एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, वेलोसिटी तो जीरो है, सोचना भी नहीं है, ठीक हो गया। फिर अब देखो इज इक्वल टू 1/2, अब हमको पहले हम एक काम करते हैं, सी क्या है, व्हाट इज, देखो एक सी बराबर हमारे इस क्वेश्चन में सी स्क्वायर था, यानी कि सी बराबर 2 है, तो हमको क्या करना है, यहां पर एक्स प्लस 2t कर देना है और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2t कर देना है, फंक्शन क्या है, माइनस एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2t, यानी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2t, और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस एक्स माइनस 2t, ठीक है। अगर आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है, माइनस एक्स है, तो एक्स प्लस 2t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये, ठीक है, ये माइनस ध्यान रखना। अब हम जो निकाल रहे हैं ये क्या निकाल रहे हैं, एक्स जीरो निकाल रहे हैं, यानी कि टी जीरो होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इज जीरो, यानी क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एक्स जीरो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, यहां दिया है देखो साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपको, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस एक्स, हमको कहां पर निकालना है,
एट एक्स इज इक्वल टू टू एंड टी इज इक्वल टू टू, और तो कुछ है ही नहीं तुम्हारा, ठीक है, टी तो है ही नहीं, यानी कि एक्स इज इक्वल टू टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू, आंसर क्या है आपका माइनस टू। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा माइनस टू आएगा, बहुत ही सिंपल, हमने कितना टाइम लगाया, 2 सेकंड का काम है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो आप, देखो कितना आसान है, लेट वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। देखो ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए ही काम नहीं करेगा, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इनफाइनाइट के लिए ही काम करेगा, फाइनाइट के लिए नहीं करेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये कोई इक्वेशन इनफाइनाइट के लिए काम करेगा तो फाइनाइट के लिए 100% करेगा, तो यानी कि ये फाइनाइट के लिए भी करेगा। देखो यहां स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट दी है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फाइनाइट बिकॉज ही हैज रिटन जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई, इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू पाई, ठीक है, यानी कि आपकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है पाई है, यानी कि फाइनाइट है, तब भी हम इसको लिख करके हम सॉल्व कर देंगे। देखो आप आफ्टर देन यू जीरो टी इज इक्वल टू यू ए समथिंग लिखा है, इसके बाद आपको दे रखा है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो इस क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते हैं लेकिन मैं इससे नहीं कर रहा, अब मैं इससे कर रहा हूं, ठीक है, बहुत आसान है। और देखो डेल यू अपॉन डेल टी, अब दोबारा इसने वेलोसिटी जीरो दे दी है, इसका मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, वी विल लीव इट, ठीक है। और टी इज इक्वल टू जीरो हमको निकालना है यू पाई बाई टू, और यू पाई बाई टू बराबर कितना होगा, तो हमारा फॉर्मूला वाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस, देखो यहां भी तुम्हारा क्या है 4 है, यानी कि c की वैल्यू 2 है, यानी कि x प्लस 2t और प्लस f ऑफ x माइनस 2t, बाकी आपका सब जीरो, ठीक है। अब आपको यू एक्स जीरो इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स है, यानी कि t बराबर हमको क्या करना है जीरो करना है, फिर अगेन जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू 1/2 आपका f ऑफ x और प्लस f ऑफ x, ठीक है, क्योंकि टी जीरो टी जीरो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स, टू से टू कैंसिल खाली एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स है, दिस इज साइन एक्स, तो पाई बाई टू बराबर क्या हो जाएगा वाई पाई बाई टू, पाई बाई टू बराबर क्या हो जाएगा हम टी तो है ही नहीं, साइन पाई बाई टू बराबर कितना होता है बोलो, साइन पाई बाई टू कितना होता है 1 होता है, आपका आंसर क्या है 1 है। देखो हमने कितना टाइम लगाया, अगर आपको फॉर्मूला पता है, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑन दिस प्रॉब्लम, आपको फॉर्मूला पता है एंड योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर हाउ टू रीड द क्वेश्चन, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 15 सेकंड और 20 सेकंड और 30 सेकंड और 1 मिनट, ओके। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगेगा, एक बात को ध्यान रखना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, योर कॉन्सेप्ट इट विल क्लियर, ओके, आई विल रेज इट। सो स्टूडेंट्स कभी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चंस, अगर आपका मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चंस उस कंपटीशन में आया तो मुझे नहीं पढ़ना है, आई हैव टू फोकस ओनली सिविल इंजीनियरिंग, आई हैव टू फोकस ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको हम बताने जा रहे हैं आज 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका गेट का लेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे आपका सीएसआर का, मैं हर जगह से क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसी भी कंडीशन में, क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं निकलेगा, ये गारंटी अपनी है। तो देखो 2 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर कॉन्सेप्ट हर कंडीशन में क्लियर होंगे, 1 घंटे के अंदर आपको पूरा निचोड़ करके नॉलेज हम दे रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, डेल यू UTD का मतलब क्या है, आपने U एक फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट कर रखा है T के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है डेल स्क्वायर U अपॉन डेल T स्क्वायर, जिसको हम UTD भी लिखते हैं, माइनस C स्क्वायर UXX, इसका मतलब है डेल स्क्वायर U अपॉन डेल X स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द वेव इक्वेशन, एंड UX0 इज इक्वल टू FX एंड UTX0 इज इक्वल टू GX, यानी कि आपको इस बार क्या दे रखा है, इनिशियल डिफ्लेक्शन भी दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, ठीक हो गया फिर। और एफ जी आर स्मूथ ऑड फंक्शन, लेकिन इसने लिख दिया है कि एफ और जी क्या है, ऑड फंक्शन है, व्हाट इज ऑड फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए। देन आपको पूछ रहा है कि यू जीरो वन बराबर क्या होगा, ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को देखो, मैंने आपको बताया एक मेथड आपका ये फॉर्मूला ये है, दूसरा मेथड फॉर्मूला ये है, मैं इसको ले रहा हूं,
ठीक है, इसको नहीं लेना ठीक है। तो क्योंकि ये शॉर्ट बहुत शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट के लिए काम करेगा तो फाइनाइट के लिए भी करेगा ठीक है। सो आई विल थिंक ऑन ऑन दिस प्रॉब्लम ठीक है। तो वाई एक्स टी ठीक है, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट को इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना ये वाला, आप इससे भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड दे रहा हूं ठीक है। तो वाई एक्स टी इक्वल टू क्या है आपका, वन अपॉन टू एफ एक्स प्लस सी टी ठीक है। अब देखो सी क्या है, सी सी है यानी कि हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे ठीक हो गया फिर, और प्लस एफ एक्स माइनस सी टी ये भी ऐसे ही रहेगा ठीक है, और आपका प्लस वन अपॉन टू सी भी ऐसे ही रहेगा, एक्स माइनस सी टी भी ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस सी टी भी ऐसे ही रहेगा, और जी थीटा के लिए क्या क्या हो जाएगा आपका, जी थीटा यानी कि दिस इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको, जी एक्स दे रखी है। यहां पर हम क्या कर देंगे, खाली जी एक्स और डी एक्स लिख देंगे। आप थीटा है तो थीटा ही लिखो, क्योंकि दो एक्स, ये आपका एक्स अलग है, एक्स अलग है ठीक है, ध्यान रखना चीज को, दिस एक्स इज डिफरेंट एंड सो यू मस्ट राइट थीटा इन प्लेस ऑफ दिस बिकॉज दिस एक्स इज डिफरेंट। ये एक्स कौन सा वाला एक्स है, ये आपका एक्स ये वाला है ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि एक फंक्शन है ठीक है, इसके लिए बता रहा है जी एक्स ठीक हो गया। फिर वो छोड़ो, इसे बात नहीं करेंगे ठीक है। तो आपका जो भी है हमने ये लिख दिया ठीक हो गया। फिर तो जब हमने लिख दिया तो गौर से देखो इसको, इसने लिखा है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और यू यू टी एक्स जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये आपको दे रखा है ठीक है। तो हमारे कंडीशन के हिसाब से आपका क्या होगा, अगर हम हमको पूछा क्या है, देखो यू जीरो वन पूछा है ठीक है, उसने यह पूछा है यू जीरो वन यानी कि एक्स बराबर जीरो लिखना है और टी बराबर वन कर देना है, आप कर दो, आप कर दो, यहां यू लिखा है मैं ये वाई कर रहा हूं, आप यू कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू जीरो वन बराबर क्या होगा, देखो ये 15 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होगा अगर आपको ठीक है। तो वन इसके बदले क्या करना है, जीरो जीरो गया, टी बराबर वन यानी कि सिर्फ एफ ऑफ सी आ जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस सी आ जाएगा हो गया, और प्लस वन अपॉन टू सी, और आपका ये आपको क्या करना है जीरो करना है और आपको वन करना है यानी कि माइनस सी ये सी, और ये क्या होगा जी थीटा और डी थीटा ये हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए क्या कि ऑड फंक्शन क्या होता है, देखो ऑड फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो यानी कि एफ ऑफ ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, दिस होल वैल्यू इज जीरो, दिस होल वैल्यू इज जीरो, देखो पूरा जीरो हो गया। अब बचाइए माइनस सी से सी, जी थीटा क्या होगा, अब देखो जी थीटा क्या है, ऑड फंक्शन है ठीक है, ऑड फंक्शन है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ऑड फंक्शन तो कॉस एक्स होता है वो इवन फंक्शन होता है और साइन एक्स जो होता है ऑड फंक्शन होता है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आपका जीरो है, ये आपका पाई बाई टू है और ये आपका क्या है पाई है ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई टू एंड दिस इज टू पाई। तो गौर से देखो, अगर हम यहां से सॉरी यहां से मतलब ठीक है, आपका जो फंक्शन आपका यहां पर सिमेट्री देगा, अगर आपको देखो कॉस एक्स का ग्राफ देखो तो देखो यहां पर आपको क्या देगा, जैसा यहां है वैसा यहां है, इट मीन्स दैट दिस फंक्शन कॉस एक्स इज सिमेट्रिकल, आपका एक्स एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्स के अराउंड क्या है सिमेट्रिकल है, जैसा यहां वैसा यहां ठीक है, आपका मिरर इमेज दे रहा है। सो दैट इज द आपका क्या है इवन फंक्शन है, जबकि ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आपको सिमेट्रिकल नहीं देगा। तो आपका जो माइनस सी से सी तक यानी कि इस माइनस सी से सी तक अगर हम यहां देखेंगे, ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक गौर से देखो, देखो ये वैल्यू ये जो है आपको क्या देगा जीरो देगा, क्यों, क्योंकि जैसा लेंथ यहां है वैसा लेंथ यहां है, ये आपका पॉजिटिव है आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा, यानी कि ऑड फंक्शन जो होता है वो सी से माइनस सी में वो हमेशा क्या देता है जीरो देता है, यानी कि ओवरऑल दिस इज ऑल्सो जीरो, इसका मतलब टोटल इसका आंसर जो होगा जीरो होगा। अगर आपके पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, इफ यू नो द फॉर्मूला एंड योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू विल सॉल्व, यू विल टेक ओनली 15 सेकंड और 10 सेकंड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका,
उसमें क्या पूछा गया है आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हम देखो बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां पर इसने इनफाइनाइट स्ट्रिंग कुछ लिखा नहीं है, ही हैज रिटन ओनली एक्स बिलोंग टू आर। जब भी ऐसा लिखा है इसका मतलब ये है कि ये लेंथ क्या है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग है। दिस स्ट्रिंग इज, इसका जो लेंथ है इनफाइनाइट है, अपने आप ही हो गया बिकॉज एक्स बिलोंग टू आर। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद है टी इज ग्रेटर देन जीरो, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स हमको दे रखा है, ठीक है। अभी तक दिया था साइन एक्स साइन क्यूब एक्स, इस बार दे रखा है एफ एक्स, हम जानते नहीं एफ एक्स क्या है। और डेल यू अपॉन डेल टी, इसका मतलब क्या है, दिस इज द वेलोसिटी और वेलोसिटी जीरो दे रखी है। योर वेलोसिटी इज जीरो बट इनिशियल डिफ्लेक्शन इज एफ ऑफ एक्स, आई डोंट नो अबाउट दिस फंक्शन। नाउ एक्स बिलोंग टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां दे रखा है इसने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन टू वन माइनस एक्स है, ठीक है। और एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ऐसा कुछ दे रखा है कि जो फंक्शन है इस टाइप का बिहेवियर कर रहा है इसमें, ठीक है। तो एक्स बिलोंग टू आर तो यू वन अपॉन टू फाइव अपॉन टू बराबर क्या होगा। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है जो मैंने लिखा नहीं है यहां पर, ठीक है। तो आपका मैंने यहां पर एक चीज लिखा नहीं है, जब आपका ये जीरो टू वन में बिलोंग करेगा, ठीक है, ये आपका जो बिहेवियर है एफ ऑफ एक्स प्लस वन, जब एक्स बिलोंग टू आर, यहां पर मैंने एक चीज लिखा नहीं है, जब आपका फोर ऑल एक्स बिलोंग टू जीरो टू वन, जब आपका ये जीरो टू वन में बिलोंग करेगा तो ऐसा बिहेवियर होगा ये फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, और जब एक्स बिलोंग टू आर होगा तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा, इस फंक्शन का इनिशियल डिफ्लेक्शन का जो बिहेवियर है वो ऐसा होगा, ये दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। देखो क्वेश्चन दो लाइन का है आपका, हम अब इसमें क्या दे रखा है, यू यानी कि यू एक्स टी बराबर क्या होगा, वन अपॉन टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, क्या दे रखा है, सी तो है ही नहीं इसमें, देखो सी यानी कि वन हो गया, मत लिखो एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, बाकी तो है ही नहीं, सब जीरो बिकॉज वेलोसिटी जीरो है, देखो खत्म, क्यों लिखूं, ये लिखूंगा हो गया फिर। तो आपके पास सिर्फ इतना आया, क्या आया, एक्स प्लस टी और एक्स माइनस टी। अब हमको यहां पर अपना दिमाग लगाना है, उसने क्या लिखा है कि यही क्या है, दैट इज द टी बराबर जीरो कर दो तो यू एक्स जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि तो जीरो हो गया, प्लस एफ ऑफ एक्स ये भी जीरो हो गया, ठीक है। देखो टी जीरो कर दिया हमने, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया, चाहे तो आप मत करो। अब इसमें लेकिन हमको पूछा क्या है, वन अपॉन टू फाइव अपॉन फोर, तो हम ये लिख नहीं, ये नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तब आपका एफ ऑफ एक्स होगा। आपको क्या करना है यहां पर, यहां पर आपको क्योंकि वैल्यू निकालनी है वन अपॉन टू फाइव अपॉन फोर, तो हम एक काम करते हैं वन अपॉन टू और फाइव अपॉन फोर हम रख देते हैं, क्योंकि हमने तो निकाल ही लिया है। एफ ऑफ क्या है आपका, वन अपॉन टू प्लस फाइव अपॉन फोर प्लस एफ ऑफ वन अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन फोर, ये हमने लिख दिया, ठीक हो गया। फिर लिखने के बाद देखो क्या हो गया, इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका जो आपका एलसीएम होगा फोर होगा, टू टू जो फोर एंड फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, ठीक हो गया। फिर प्लस एफ ऑफ ये भी फोर हो गया, टू टू जा फोर, टू माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। तो ये आपका माइनस थ्री आ गया आपका, इतना तक आपने बिल्कुल सिंपल, देखो ज्यादा टाइम खर्च नहीं हुआ, यू हमारा वैल्यू निकल गया। अब यहां से हमको दिमाग लगाना है, सिर्फ इतना दिमाग लगाना है बस, यहां से ही हो गया। देखो गौर से देखो, सेवन अपॉन फोर क्या है, वन पॉइंट समथिंग, वन पॉइंट समथिंग यानी कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि मैं इसको नहीं लिख सकता, मैं इसको नहीं लिख सकता, मैं यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू वन माइनस एक्स नहीं लिख सकता यहां पर। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, नहीं लिख सकता। ये क्या है, एफ ऑफ माइनस थ्री अपॉन फोर, यानी कि मुझे इसको कैसे न कैसे या तो इस कंडीशन में लाना पड़ेगा या ये रखनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स, ये वैसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो ये एक्स बिलोंग टू आर में एफ ऑफ एक्स उल्टा भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ, हमारा इट इम्प्लाइज दैट नहीं है, इज इक्वल टू है, यानी ये बराबर ये, ये बराबर ये, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन। तो मैंने क्या किया, इसको वन अपॉन टू एफ ऑफ क्या लिख दिया, वन प्लस थ्री अपॉन फोर कर दिया, क्योंकि देखो फोर इंजा फोर फाइव सिक्स सेवन है ना, यानी ये बराबर ये कर दिया, क्योंकि साफ बोला है उसने, अगर जीरो वन में बिलोंग करेगा तो मैं ये लूंगा,
इफ इट इज बिलोंगिंग टू नॉट बिलोंगिंग टू जीरो वन देन यू विल टेक दिस वन. तो हमने ये लिख दिया. नाउ दिस दिस इज माइनस थ्री अपॉन फोर. ये भी आपका बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, जीरो वन में तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है. तो ये अगेन यू विल राइट सेम थिंग. इसको भी आप क्या करो, थ्री अपॉन फोर को कुछ ऐसा फॉर्म बनाओ. ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे, आप सोचो कि आप माइनस थ्री अपॉन फोर को ऐसा क्या लिख सकते हैं. ठीक है, तो माइनस थ्री अपॉन फोर को हम क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको माइनस थ्री अपॉन फोर, इसको आप सोचिए माइनस थ्री अपॉन फोर को हम क्या लिखेंगे. ठीक है, ये आपको सोचना है. तो माइनस थ्री अपॉन फोर को हम ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस थ्री अपॉन फोर, दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू जीरो टू वन. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, देखो फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन फोर, तब भी आपको बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, आपको यहां पर सोचना है कि हम इसको क्या करेंगे. तो ये वाला तो जनरली आपका सॉल्व हो गया, ये वाला. ठीक है, दिस अब नाउ दिस वन प्लस थ्री अपॉन फोर. ठीक है, आपका वन प्लस थ्री अपॉन फोर आपका, अब हम दोबारा यही आएंगे वन प्लस, क्योंकि ये आपका यही है, पहले हमने इसको इसमें फॉर्म में चेंज कर दिया. वन प्लस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये क्या हो गया आपका एफ ऑफ थ्री अपॉन फोर. अब आपका थ्री अपॉन फोर क्या है, जीरो पॉइंट समथिंग, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन टू वन माइनस एक्स. एक्स क्या है, थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर और वन माइनस थ्री अपॉन फोर, वन माइनस थ्री अपॉन फोर, ये आपका तो सॉल्व हो गया. ठीक है, ये बराबर ये हो गया और ये बराबर ये हो गया. ठीक है, वी हैव सॉल्व इट. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस एफ ऑफ थ्री माइनस फोर, दिस इज द प्रॉब्लम. तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एफ ऑफ माइनस थ्री अपॉन फोर. ठीक है, हमने यहां पर साफ लिखा है कि अगर आपका इसमें बिलोंग नहीं करना तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइनस थ्री अपॉन फोर जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, जीरो वन में. तो ये किसे बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है. तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, यानी कि माइनस थ्री अपॉन फोर को हम माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस वन लिख सकते हैं. तो यानी कि क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस वन लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, लिख लिया. नाउ अब इसको देखो, अगर आप सॉल्व करेंगे, फोर इंजा फोर, फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन फोर, ये आपका क्या हो गया, एफ ऑफ वन अपॉन फोर आ गया. अब f ऑफ वन अपॉन फोर जीरो पॉइंट समथिंग, यानी कि ये किसे बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि हम f ऑफ x इज इक्वल टू x इनटू वन माइनस x लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर, और क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगा. इसको सॉल्व करो, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर इंटू थ्री अपॉन फोर, और ये क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर इंटू फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन फोर. दोनों को प्लस करना है, अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो थ्री अपॉन सिक्सटीन एंड दिस इज ऑल्सो थ्री अपॉन सिक्सटीन, सो यू हैव थ्री अपॉन सिक्सटीन प्लस थ्री अपॉन सिक्सटीन. थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ठीक है, तो ये आएगा टू इंटू, यानी कि सिक्स इंटू सिक्सटीन, जो भी है तुम्हारा, इसका आंसर जो आएगा टू इंटू थ्री अपॉन सिक्सटीन, यानी कि सिक्स अपॉन सिक्सटीन, है ना, सिक्स सिक्स अपॉन सिक्सटीन, यानी कि थ्री अपॉन एट, यानी कितना हो जाएगा आपका, थ्री अपॉन एट. तो आपका आंसर आ गया. तो आपने देखा होगा हमने कितनी जल्दी सेकंड सॉल्व कर लिया. इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ऑल द प्रॉब्लम्स विद इन सेकंड. ओके, तो इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपका एक गेट में से क्वेश्चन लूंगा और एक आपका नेट में से क्वेश्चन लूंगा. ठीक है, जस्ट आई विल रेज इट. तो इसके बाद आता तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके 2017 और 18 में आए हैं आपके. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको दो से बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा. आई विल, बिकॉज माई टारगेट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ये आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो मुश्किल से 10 to 15 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा. तो देखो क्वेश्चन क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब आपका इस वेव इक्वेशन में सी इज इक्वल टू वन है, साफ है ना. तो जो हम लेके चल रहे हैं अभी तक, डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर. तो सी क्या है, वन है, क्योंकि है ही नहीं. तो यू एक्स जीरो इज इक्वल टू साइन एक्स है, आपको दे रखा है. और
यूटी एक्स जीरो इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी कि आपको इस बार क्या दिया है, आपको इनिशियल डिफ्लेक्शन और वेलोसिटी दोनों दी गई हैं, और यू पाई पाई इज इक्वल टू क्या होगा ही इज आस्किंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, बिकॉज ऑफ अभी तक हमेशा क्या हो रहा था, हमारा ये जीरो हो रहा था, इस बार ये जीरो नहीं होगा। तो देखो आप, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम सिविल का आपका मैकेनिकल में आया है, सेम क्वेश्चन। तो देखो अब आपका देखो क्या हो जाएगा, यू एक्स टी बराबर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी, सी की वैल्यू मैंने 1 रख दिया, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, ये आपका हो गया, प्लस 1/2 बिकॉज सी इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस टी बिकॉज सी इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस टी सी इज इक्वल टू 1, और आपका जी थीटा और डी थीटा, ये हो गया आपका। अब देखो ये क्या है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहां रखनी है और वेलोसिटी यहां रखनी है। तो डिफ्लेक्शन क्या है, एक्स क्यूब है, और वेलोसिटी क्या है, साइन एक्स है। इसको रखने से पहले पूछा क्या है, ये देखो पूछा है यू पाई पाई, एक काम करते हैं पाई पाई रख देते हैं, टेंशन ही खत्म। तो क्या हो जाएगा, देखो यू पाई पाई इसको रखने से देखो फायदा क्या होगा, एफ ऑफ पाई पाई 2π, ठीक है, और प्लस पाई माइनस पाई 0, गेम खत्म, ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस पाई 0, पाई प्लस पाई 2π, ठीक है, और जी थीटा, ठीक है, जी थीटा डी थीटा हो गया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, देखो यू पाई पाई, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 1/2। अब डिफ्लेक्शन क्या है, एक्स क्यूब, यानी कि अब तो देखो 2 पाई का होल क्यूब प्लस, ये तो जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यू एक्स जीरो इज इक्वल टू क्या है, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है, तो आपका जीरो हो गया है, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, देखो आप, और जी थीटा यानी कि वेलोसिटी क्या है, साइन एक्स है, यानी कि हमको साइन, अब थीटा यानी कि थीटा ही देगा, यानी कि हमको इसका क्या करना है, बिकॉज ऑफ दिस एंगल वी हैव रिटन थीटा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, व्हाई वी हैव नॉट रिटन हियर एक्स, बिकॉज ऑफ दिस एंगल, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इंटीग्रेशन करने पर अगर आप फर्स्ट लेटर आपका सी है तो माइनस आता है, मैंने बताया था, अगर आपको किसी का भी इंटीग्रेशन करने पर कुछ कॉस्ट ही आ रहा तो मैं माइनस लिख दो, और कॉसेक्ट ही आ रहा तो माइनस लिख दो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पर सी आ रहा तो नेगेटिव, यानी कि -1/2, ठीक हो गया। फिर और इसका हमको क्या करना है, 0 टू 2 पाई, आपको कॉस का ग्राफ मालूम होना चाहिए, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 0 ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, π/2, और ये आपका पाई हो गया, ठीक है, तो कॉस, और हमको क्या चाहिए, 2π चाहिए, तो कॉस 2π मेरे ख्याल से कितना आएगा, 1 आएगा, दिस इज 3π/2, तो कॉस 2π इज इक्वल टू 1, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 2π इज इक्वल टू प्लस 1, एंड कॉस 0 इज इक्वल टू प्लस 1, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया दिस इज, ठीक है, देखो 2π और 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया तुम्हारा। अब रही बात इसका, दिस, सो नाउ यू हैव दिस वैल्यू, एंड इट इम्प्लाइज दैट दिस इज 2 टू 4 टू 8 π³/2, यानी कि 2 4 8 4 π³, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको देखा, आपने देखा होगा हमने कितने कम समय में इस क्वेश्चन को निकाल दिया, ठीक है, देखा होगा आपने। तो इफ यू हैव योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ सेकंड, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ने में थोड़ा आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब लगेगा इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, हर क्वेश्चन आसान होता है। कुछ एग्जाम्पल लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि हम वो चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो उसका समझने की शक्ति कितनी पावरफुल है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड योर कंसंट्रेशन पावर, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनाया गया है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स टी बिलोंग टू आर, पहले अगर यही लिखा है इट मीन्स दैट इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, आर बिलोंग करने का मतलब टी इज ग्रेटर देन जीरो, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि डिफ्लेक्शन आपका एफ एक्स है, और यू टी डेल यू अपॉन डेल टी एक्स जीरो इज इक्वल टू जी एक्स, और वेलोसिटी आपकी क्या है, जी एक्स है तुम्हारी। अब इसने क्या कर दिया है, जो उसका जो सॉल्यूशन है उसको यू आई बोल दिया है, यू आई
with the solutions of the problem f is equal to fi, g is equal to gi for i is equal to 1 or 2. यानी कि u के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक u1 आ रहा है और एक u2 आ रहा है. दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस वेव इक्वेशन. सेटिस्फाई कर रहा है f1x is equal to f2x, g1x is equal to g2x. तो पूछ रहा है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं. ही हैज आस्क्ड सच टाइप ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स. तो मैं सिर्फ दो ही कर रहा हूं, बाकी आप क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर लेना. ठीक हो गया फिर. तो क्वेश्चन देखो, एक से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर मैं एक ही लूंगा तो. ठीक है, आई विल सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन. तो देखो ये क्या है, ये है. ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यू एक्स टी इज इक्वल टू, ठीक है, वन अपॉन टू. पहली बात, इस में आपका c इज इक्वल टू वन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, c वन कर देंगे. तो f x प्लस टी और प्लस f x माइनस टी आंसर आ गया. ठीक हो गया फिर. इसके बाद प्लस वन अपॉन टू बिकॉज c इज इक्वल टू वन, इंटीग्रेशन x माइनस टी x प्लस टी. देखो हर जगह हम वही चीज कर रहे हैं. और आपका क्या हो जाएगा, g थीटा और d थीटा, गेम खत्म. ठीक हो गया फिर. पूछा क्या है, ये तो हमने कर लिया. अगर हम t इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, नहीं करेंगे, ठीक, कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा हो गया, ये इनिशियल डिफ्लेक्शन है और ये है आपका. अब इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, यही आपका हो गया. ठीक हो गया फिर. पूछा क्या है, उसने पूछा है ये क्या है, यू आई है असल में. यानी कि इसके दो हमको आंसर मिल रहे हैं. कैसे मिल रहे हैं, एक मिल रहा है यू वन एक्स टी इज इक्वल टू, हमको मिल रहा है वन अपॉन टू एफ, अब आई मिल रहा है यानी कि वन एक्स प्लस टी और प्लस एफ वन एक्स माइनस टी. ठीक है, माइनस टी ये दे रखा है और प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस टी और एक्स प्लस टी और आपका जी थीटा यानी जी वन डी थीटा डी थीटा. वन के लिए वन रहेगा और टू के लिए टू रहेगा. एक्स टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू एफ टू एक्स प्लस टी और आपका प्लस एफ टू एक्स माइनस टी. ठीक है, ये आपका बंद हो गया. और प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस टी और एक्स प्लस टी और जी टू और डी थीटा डी थीटा. ये हो गया, ये सॉल्यूशन आपके आ गए हैं. इसका मतलब ये है, यू आई का मतलब ये है कि यू वन और यू टू हो गया. अब उसने क्या दिया है कि एफ वन एफ टू बराबर है और जी वन जी टू बराबर है. यानी कि ये एफ वन और ये एफ टू बराबर होगा, ये एफ वन ये एफ टू बराबर होगा और ये जी वन और ये जी टू बराबर होगा. कब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, व्हेन इसने लिखा है आपका g1 और f1 बराबर होंगे फॉर ऑल x बिलोंग टू माइनस वन टू वन. इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी है, फॉर ऑल x बिलोंग टू माइनस वन टू वन. अगर ये आपकी क्या है, ये आपका क्लोज इंटरवल है. अगर आपका इसमें बिलोंग करते हैं माइनस वन और वन के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, अन्यथा ये बराबर नहीं होंगे. एक बात को ध्यान रखना. अब देखो, अगर मैं इसमें जी वन रखता हूं सपोज, ठीक है, यहां पर हमारा इमेज को इरेज कर रहा हूं. ठीक हो गया फिर. ठीक है, यहां पर कर लेते हैं. तो देखो हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर हम इसको यहां कर ले रहे हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो स्पेस. तो हमने क्या किया, देखो अगर हम यू वन क्या कर रहे हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं जीरो वन, जीरो वन करते हैं. ठीक है, तो यू वन जीरो वन करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो वन अपॉन टू और आपका एफ वन जीरो वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा. ठीक है, और प्लस एफ टू जीरो जीरो वन, जीरो वन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा. ठीक है, और प्लस वन अपॉन टू हमने क्या करना है, जीरो वन यानी कि जीरो वन यानी कि माइनस वन टू वन और आपका जी ये आपका वन है, ध्यान रखना इस चीज को, वन है ये. ठीक है, एफ वन एफ वन और आपका ये आपका क्या हो जाएगा, जी वन. यहां पर तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक ये हो गया. अब यू टू में रखेंगे, क्या ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, ही इज आस्किंग क्या ये दोनों बराबर हैं, ही इज आस्किंग. देखते हैं हम, वन अपॉन टू
एफ टू, अब जीरो वन रखेंगे यहां भी वन ही आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, यहां भी आपका वन ही आएगा, वही चीज वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस वन टू वन ये भी वही आना है, यहां पर तो वही आएंगे सेम। अब आप देखो क्या वन माइनस वन टू वन में बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल में, यस बिलोंग कर रहा है, तो ये वन भी बिलोंग कर रहा है, वन भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हो गए, और माइनस वन भी बिलोंग करता है, ये भी इक्वल हो गए, माइनस वन ऑल्सो बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, और इसी प्रकार से माइनस वन टू वन ये क्लोज इंटरवल ये भी बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा, यानी कि ये दोनों बिलोंग करेंगे, इट मीन्स दैट ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि सही है। अगर मैं वन अपॉन टू वन अपॉन टू करता हूं तो भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसके अलावा कोई तीसरा सॉल्यूशन करता हूं, सपोज अगर उसने बोला है यहां वन अपॉन टू रखा है, माना अगर उसने ये पूछा होता है यू वन वन और टू क्या बराबर है यू टू वन और टू, अगर मैंने ऐसा पूछा होता सपोज उसने, अब देखो गौर से देखो, तो u वन वन और टू बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, आपको क्या हो जाएगा वन और टू, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, एफ थ्री, ये एफ थ्री आ गया, क्या वन प्लस एफ वन, और वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, ये तो बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां हो गई है, और आपका ये वन और टू यानी कि वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, और आपका क्या हो जाएगा जी वन, और आपका थीटा हमको मालूम नहीं है, और दूसरा यू टू और वन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू एफ टू, और ये भी आपका यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ देयर इज नो बोथ आर सेम, ठीक है, और प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन माइनस वन टू थ्री जी टू डी थीटा डी थीटा। अब देखो आपको मैंने क्या बताया है कि आपका f1 इज इक्वल टू f2 और g1 इज इक्वल टू g2 कब है बराबर, जब ये आपका क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन में बिलोंग कर रहा है, बट यहां देखो ये थ्री है, थ्री के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है, इट मीन्स दैट बोथ डज नॉट इक्वल, इट मीन्स दैट u1 वन टू इज नॉट इक्वल टू u2 वन और टू, मेरे ख्याल से इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपके एग्जाम में ऐसा पूछा था क्या ये दोनों बराबर है, यह है विच वन इज द फॉल्स, ठीक है, चार दिए थे मैंने, दो ही लिए हैं, एक मैंने अपने हिसाब से बना लिया, ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है, नाउ आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, ये आपके गेट में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आई विल इरेज इट एंड आई विल सॉल्व इट। इसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, गेट 2020 के आए हैं, एक आपका सिविल में आया है और एक आपका मैथमेटिक्स का आया है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो दो क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो क्वेश्चन क्या है, देखो डेल स्क्वायर यू ओपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओपन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स, डेल यू ओपन डेल थीटा एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका वेलोसिटी जीरो है, पहली बार f ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू फोर दिया है, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दे रखी है, यू टू टू इज इक्वल टू एट, और फाइंड यू वन थ्री कितना होगा, ही इज आस्किंग, ठीक है, बहुत आसान है, मैंने आपको बता रखा है यू एक्स टी बराबर होता है वन अपॉन टू एफ ऑफ, अब देखो यहां पर क्या है एक्स प्लस सी टी और एक्स माइनस सी टी, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या है आपका वन है, आप माइनस वन रखो वन रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां प्लस लिखा है, अगर माइनस वन करोगे यहां माइनस आ जाएगा यहां प्लस आ जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस टी और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, ठीक है, ये आपका आ गया, वेलोसिटी जीरो है तो यहां तो मेरे को सोचना ही नहीं है, ठीक हो गया आंसर आपका आ गया। अब देखो हमको क्या दिया है, यू आपका अगर मैं टू टू रखता हूं, रख दो टू टू, टू टू रखता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर प्लस टू टू इज इक्वल टू टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो इज इक्वल टू वन अपॉन टू एफ ऑफ फोर, ठीक है, ये हो गया एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ओके, यू टू टू इज इक्वल टू कितना है एट, दिस इज एट, एट टू जा 16 इज इक्वल टू एफ फोर, ये हमको मिल गया, यानी कि मुझे एफ फोर की वैल्यू मिल चुकी है, अभी कहीं ना कहीं काम आएगी, ही इज आस्किंग यू वन थ्री कितना होगा, अगेन इन दिस प्रॉब्लम अगेन यू वन थ्री, तो अगेन हमको क्या करना है, इसमें रखना है वन अपॉन टू एफ ऑफ वन और थ्री रखो,
वन और थ्री इज इक्वल टू फोर, ठीक है, वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर प्लस एफ ऑफ वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, तो देखो इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है, एफ ऑफ फोर अभी निकाला है 16, ठीक है, और प्लस एफ ऑफ माइनस टू दिया है, एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू फोर, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 आंसर। सिर्फ 10 टू 20 सेकंड में यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो आपने देखा हमने कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट है। t is greater than 0, ux 0 is equal to cos pi x upon 2, यह आपका इनिशियल डिफ्लेक्शन है, du upon dt x 0 is equal to 0, यानी कि वेलोसिटी 0 है, ठीक है, यानी कि मेरा ये 0 है, यानी कि मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट ux t बराबर क्या हो जाएगा, 1 upon 2 f of x plus c, c कितना है, c 1 है, देखो साफ लिखा हुआ है, c तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो c 1 हो जाएगा, f ये हो जाएगा प्लस f of x minus t, वेलोसिटी तो 0 है, छोड़ दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, तो देखो डिफ्लेक्शन क्या है, कॉस, ठीक है, कॉस है, कॉस रखने से पहले यार रख लो चलो, ठीक है, तो यू एक्स टी इज इक्वल टू, हमको एक एक करके निकालने पड़ेंगे, एक एक करके कौन निकालेगा, वन अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा, कॉस आपका पहला हो जाएगा, देखो एक्स जीरो, टी यानी कि जीरो रखना है, टी जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं जीरो रख देते हैं, जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, और ये भी तुम्हारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, अगर हम जीरो रख देते हैं तो टू ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इससे हमको आंसर नहीं मिल पाएगा अगर आप जीरो रख देंगे तो, ठीक है, तो हम एक काम करेंगे जीरो नहीं रखेंगे, अगर हम जीरो रखेंगे तो पूरा ये हो जाएगा, तो हम इसको नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, देखो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है, हम क्या करेंगे यहां पर, आपका जो ये जो भी है वन अपॉन टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन डिफ्लेक्शन क्या है, कॉस पाई एक्स अपॉन टू, तो हम क्या करते हैं, कॉस पाई एक्स के बदले एक्स प्लस टी अपॉन टू कर देते हैं, ठीक है, और यहां पर कॉस आपका कॉस पाई एक्स अपॉन टू, कॉस पाई अपॉन टू एक्स के बदले एक्स माइनस टी कर देंगे, ठीक है, पाई एक्स माइनस टी अपॉन टू कर देंगे, ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं ये cos c plus cos d बराबर क्या होता है, 2 cos c plus d upon 2 और cos c minus d upon 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 upon 2 into 2 cos, इन दोनों को ऐड करोगे अगर आप तो t और t कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई x और पाई x 2 पाई x आ जाएगा, आपका जो टोटल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 cos पाई x upon 2 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और cos इसके बाद cos c plus cos d बराबर 2 cos c plus d upon 2 और cos c minus d upon 2, यहां पर आपका t आपका बच जाएगा और cos कट जाएगा, ठीक है, ये आप कर लेना, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो cos pi x upon 2 और cos pi t upon 2 आ गया आपका, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके निकालेंगे, क्योंकि यहां पर हमको क्या करना है, एक एक करके सारे निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे 2 2 कितना आ रहा है, ठीक है, 2 2 इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, x के बदले आपका क्या करना है, 2 रखेंगे, 2 2 यानी कि cos pi आ जाएगा, और cos यहां पे 2 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल यानी कि cos pi, हम जानते हैं cos pi कितना होता है, cos pi इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, सही आ रहा है ना, गलत आ रहा है, सॉरी ये गलत आ रहा है, क्योंकि माइनस वन लिखा है, और यू टू टू इज इक्वल टू कितना है, 1 है, ये यानी कि यू टू टू कितना है, 1 है, यानी कि सही हो गया, चारों में से एक आंसर होगा, दैट इज ओके। आई हैव हर्ड दिस टाइम इन फ्यूचर द गेट दे हैव इम्प्लीमेंट द एग्जाम, दे आर डिसाइडिंग, वो सोच रहे हैं कि दैट देयर विल बी मोर देन वन आंसर, मतलब आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ और दे दिए उसका आंसर भी समथिंग आएगा, ऐसा हो सकता है 1/2 1/2 करके ऐसा आएगा, इट कैन पॉसिबल इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको इस समय तो आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस है आपका, चार में से एक आंसर सही होगा, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है चार में से दो भी सही हो, चार में से तीन भी सही हो, और चार के चार भी सही हो, चारों में से कोई भी सही ना हो, इट कैन पॉसिबल इन फ्यूचर, ठीक है। सो एट फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जाम,
ओके क्या लिखा गया है, तो यहां से हम आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं, वी विल नेवर चेक दिस एंड दिस टू सेव अवर टाइम। ठीक है, इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में एक लिखा दो लिखा, इसके बाद एक स्टेप और है, वो स्टेप फ्यूचर में इंजीनियरिंग वालों के लिए जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा जाता है, बट इन फ्यूचर जो इंजीनियर जो आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं दे कैन ऑल्सो आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई विल ओनली राइट द फॉर्मूला एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व सम लिटिल बिट ऑफ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके आई विल एट फर्स्ट इरेज इट। ओके इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा जाए तो वैसे वेव इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम वेव जो इक्वेशन है उसमें कुछ अटैच करेंगे, क्योंकि वेव इक्वेशन क्या होती है, वो ये सिर्फ इतनी होती है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, तो ये दैट इज द वेव इक्वेशन एंड इट इज शोइंग दैट यू हैव ए स्ट्रिंग एंड यू आर क्या करेंगे आप, यू आर डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग, देयर इज ए वेलोसिटी एंड आप खींच रहे हैं उसको, देयर इज ए इलास्टिसिटी। ठीक है, तो उसके लिए आपका एक इक्वेशन है, लेकिन हम कुछ राइटर्स ने कुछ लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, तो उसमें हम अगर किसी हीट इक्वेशन में कुछ चीज अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि ये होता है सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तुम्हारा, ठीक है, ये हीट इक्वेशन नहीं है, सॉरी वेव इक्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा ऐड करने पर वो भी आप के इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, प्लस वन अपॉन टू सी इंटीग्रेशन जीरो टू टी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी ब्रैकेट ओपन टी माइनस एस ब्रैकेट क्लोज एंड एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी है यहां पर ब्रैकेट ओपन टी माइनस एस ब्रैकेट क्लोज आपका एक फंक्शन है एच इसके अंदर वाई एस डी एस डी वाई, ये हमने अलग अलग नाम इसलिए रखे हैं, ये सेम हम नहीं रख सकते। ठीक है, आपका ये एस जो है जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, देखो अगर हम इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए टी माइनस एस टी माइनस एस को, तो ये दोनों सेम है हमारे एक्स प्लस सी टी एक्स प्लस एक्स माइनस सी टी एक्स माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी, सिर्फ हमने t के बदले क्या कर दिया t माइनस s कर दिया, और जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू हमने यहां लिखी है पहली बार। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, g थीटा d थीटा रख रहे थे, ठीक है, सेम फंक्शन ये x t नहीं रख रहे थे, ये फंक्शन आपका अलग है, उसी प्रकार से इसके लिए हमने एक डिफरेंट वैल्यू ली है y, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर रखा है, ठीक हो गया। फिर देखो दोनों सेम है, अब देखो ये है क्या चीज है सर, अगर किसी भी वेव इक्वेशन में या आपका क्या है वेव इक्वेशन है, अगर हम बराबर जीरो कर देंगे तो वेव इक्वेशन हो जाएगा, इस वेव इक्वेशन के बराबर समथिंग हमने कुछ लिखा है तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये बराबर समथिंग, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज नॉट द वेव इक्वेशन। ठीक है, ये बराबर अगर जीरो होगा तो दैट इज द वेव इक्वेशन, लेकिन ये जीरो तो नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपका बराबर समथिंग है तो ये जो समथिंग है वो समथिंग ये एच ऑफ वाई एस है, दिस एच ऑफ वाई एस इज ये क्या है, दिस इज आपका इक्वेशन दे रखा है डेल स्क्वायर यू ओपन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू ओपन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 60, एक्स बिलोंग टू आर इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, टी इज ग्रेटर देन जीरो, u x 0 is equal to sin x, u t x 0 is equal to 0, यानी कि वेलोसिटी 0 है और इनिशियल डिफ्लेक्शन sin x है, u pi by 2 पूछ रहा है, चार आपको आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है h of y s is equal to क्या हो जाएगा, यहां पर ex plus 60 लिखा है तो हम क्या लिख देंगे e y लिख देंगे plus 6 s लिख देंगे, बस कुछ नहीं है, नथिंग, एक्स टी लिखा है यहां पर, लेकिन हम इस फंक्शन को एच ऑफ वाई एस है यानी कि पी आई जो है यानी कि राइट साइड वाले को ई टू द पावर वाई और सिक्स एस लिख देंगे, बाकी सब सब आपका सेम है, यानी कि आंसर क्या होगा, यू एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू आपका जो सी है वन है, ध्यान रखना एफ एक्स प्लस टी और प्लस एफ एक्स माइनस टी, ठीक है बंद हो गया, वेलोसिटी जीरो है, देखो वेलोसिटी जीरो है, भूल जाओ, प्लस
सी आपका वन है, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी वन है टी माइनस एस एक्स प्लस टी माइनस एस, ठीक है बहुत आसान है। और ये क्या है ई टू द पावर वाई प्लस सिक्स एस और डी एस डी वाई, आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है देखो, ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी हमको निकालना क्या है, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू रख दो, तो यू पाई बाई टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू एफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन, यानी कि पाई, ठीक है पाई है ना, और पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ जीरो, ठीक है, और आपका प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो टू, अब टी की वैल्यू क्या है हाफ यानी कि पाई बाई टू, ठीक है, और इंटीग्रेशन एक्स बराबर पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस एस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एस, यानी कि हमको पहले एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ई टू द पावर वाई और प्लस सिक्स एस, यानी कि इस वाई और एस में हमको क्या रखना है, ये पाई बाई टू जो भी रखना है ये रखना है, और आपका डी एस डी वाई। अब आपको मैंने कुछ आपके वीडियो डाल रखे हैं हाउ टू सॉल्व डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन और हाउ टू सॉल्व डिफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है, आपको यहां इंटीग्रेट करने आप इंटरमीडिएट में आ जाओ, इसका इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। एफ ऑफ पाई बराबर हमको क्या करना है, आपका फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो यहां क्या हो जाएगा साइन पाई इक्वल टू कितना होता है एफ ऑफ पाई, यानी कि साइन पाई कितना होता है देखो, साइन पाई कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है देखो, साइन जीरो कितना होता है, साइन का ग्राफ देखो, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपका जीरो है, ये आपका पाई बाई टू है पाई है, यानी कि ये भी जीरो, यानी कि पूरा जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अब यानी कि टोटली डिपेंड ऑन किस पे हो गया, इस पे हो गया, यानी कि आपको डबल इंटीग्रेट करना है इसका, वेरी वेरी सिंपल। तो आपने देखा कि हर टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू नो द फॉर्मूला, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कर दिए हैं, इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दो, ठीक है, यू हैव टू लर्न द मेथड, आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, देर आर मेनी प्लेटफॉर्म दे हैव सॉल्व मिलियंस प्रॉब्लम्स, तो ये क्या है पजल है, दैट इज अ पजल, एक घंटा पढ़ो ढंग से पढ़ो, आई हैव टॉट यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, दिस इज माय गारंटी यू विल गेट सक्सेस, ओके थैंक यू सो मच।